नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि अक्षय कुमार का स्टार्डम खत्म हो गया है, अक्षय कुमार का करियर खत्म हो गया है, उनकी पिछली फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। 2022 में भी उनकी 4 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर है जो बहुत मेहनती है, बहुत जबरदस्त टैलेंट है उनमें, और एक्शन का उनका कोई जवाब नहीं है। आजकल के जहाँ ज्यादातर हीरो अपने एक्शन खुद नहीं करते, वहीं अक्षय कुमार ज्यादातर एक्शन खुद करते हैं। खिलाड़ी कुमार इसीलिए उनको कहा जाता है, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी है। तो इतनी जल्दी आप उनके करियर पर विराम मत लगाइए प्लीज, अभी भी बहुत दमदार वापसी करने वाले हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग कर रहे हैं इस समय, और 15 अप्रैल तक इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज में चली जाएगी। टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज सुकुमारन और इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंसेज देख करके कुछ फोटो ये वायरल हुई है, कुछ तस्वीरें वायरल हुई है, और इतने खतरनाक एक्शन सीक्वेंसेस जिसमें होने वाले हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। अक्षय कुमार बहुत जबरदस्त इसमें वापसी करेंगे। टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी जोड़ी है। अली अब्बास जफर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इतना नहीं दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया कि आपको दो और खास बातें बता सकूं। अक्षय कुमार एक फिल्म करने वाले दिनेश विजन के साथ, जिसका नाम होगा स्काई फोर्स, और ये एक एरियल एक्शन मूवी होने वाली है। बहुत ही जबरदस्त ये फिल्म होगी। और दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट शायद रनवे 34 संदीप केलवानी ने डायरेक्ट की थी, शायद वे इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले, और दिनेश विजन मेडोक्स फिल्म के अंतर्गत इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले। बहुत जबरदस्त एक्शन मूवी होने वाली है ये। शुरुआती बातचीत जारी है और जल्दी अक्षय कुमार इस फिल्म को साइन कर सकते हैं, और जून जून से पहले मई में शायद इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। इसके अलावा आपको एक बता दूं कि मुदस्सर अजीज की फिल्म खेल खेल में, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी मूवी होने वाली है, ये फिल्म अक्षय कुमार ऑलरेडी साइन कर चुकी है, और इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही वे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग फिनिश करते हैं, उसके बाद में खेल खेल में की शूटिंग शुरू कर देंगे, और ये एक जबरदस्त फिल्म होने वाली है। बहुत ही शानदार इसकी स्क्रिप्ट है और जबरदस्त कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म होने वाली है, और इसको करीब 30-35 दिन में अक्षय कुमार स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जून के बाद में वो फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए, खेल खेल में आ रही है, इसके अलावा स्काई फोर्स और हेरा फेरी 3, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसके अलावा सोरालाई पटरू की जो हिंदी रीमेक है वो फिल्म आ रही है, ओ माई गॉड 2 वो फिल्म आने वाली है, और भी कई फिल्में अक्षय कुमार की है, किसी का तो मुझे नाम भी याद नहीं है। तो डेफिनेटली अक्षय कुमार एक बहुत बड़ी वापसी बॉलीवुड में करने वाले हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि उनका करियर खत्म हो गया, स्टारडम खत्म हो गया, वो थोड़ा इंतजार करें। खिलाड़ी कुमार जबरदस्त तरीके से वापस खेल में लौटने वाले हैं, और बहुत जबरदस्त उनकी वापसी होगी, मेरा ऐसा मानना है। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।